सैनिक प्रदीप चौहान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव सलारपुर तो हजारों की आंखें रोई। क्षेत्र भर का जनसैलाब पहुंचा शहीद प्रदीप चौहान के अंतिम दर्शन को। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव सलारपुर निवासी ओमपाल सिंह चौहान का बेटा प्रदीप चौहान, जो आर्मी में ड्यूटी रत होकर पानाघाट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। आज प्रदीप चौहान का पार्थिव शरीर सैनिक सम्मान के साथ गांव सलारपुर पहुंचा तो हजारों की आंखें भावभीनी और श्रद्धांजलि के साथ नम हो गईं। सैनिक कोर की टुकड़ी में ससम्मान सम्मानित किया, पुष्पांजलि दी और शहीद प्रदीप के पिता को राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान भेंट किया। तो पूर्व मंत्री मदन चौहान को गढ़मुक्तेश्वर सीओ आशुतोष एवं बहादुरगढ़ थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र भर के गणमान्य पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ नेता चौधरी मनवीर सिंह के साथ पूर्व सैनिकों ने जाकर दिवंगत प्रदीप चौहान को सलामी और श्रद्धांजलि दी। गांव में ही अपने निजी खेत पर रोमपाल सिंह चौहान ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया और दिवंगत प्रदीप चौहान के पुत्र हार्दिक चौहान ने मुखाग्नि दी।